आज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 27 अगस्त से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच ओपनिंग मुकाबला खेला जाएगा। वहीं अगले ही दिन फैंस को भारत और पाकिस्तान की टक्कर देखने को मिलेगी। देखिए आखिर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पर फैंस की सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया कप की तारीखों का ऐलान। 27 अगस्त से टूर्नामेंट की होगी शुरुआत। दुबई में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 28 अगस्त को होगा दोनों के बीच महामुकाबला। वर्ल्ड कप की हार का टीम इंडिया लेगी बदला। रन मिशन विराट कोहली पर होंगी सभी की नजरें। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब मैदान पर टकराती हैं तो पूरी दुनिया थम सी जाती है। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध इतने अच्छे नहीं कि द्विपक्षीय सीरीज हो सके, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ंत हो ही जाती है। क्रिकेट फैंस को ऐसा ही मौका इस महीने के अंत में शुरू होने वाले एशिया कप में मिलेगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसलिंग के चेयरमैन और बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, क्योंकि एशियाई वर्चस्व की लड़ाई 27 अगस्त को शुरू हो रही है और 11 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। एशिया कप का ये 15वां संस्करण है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के अलावा टीम क्वालिफाई के जरिए एशिया कप 2022 का हिस्सा होगी और 16 दिन में फाइनल समेत कुल 13 मुकाबले खेले जाने हैं। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का चयन तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन 28 अगस्त को होने वाले इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सभी की नजरें एक बार फिर विराट कोहली पर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। 28 अगस्त को दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर जो मैच होता है भारत पाकिस्तान के बीच उस पे सभी की निगाहें होती हैं। तो वहीं इस बार विराट कोहली, जिन्हें रन मशीन कहा जाता है, उन पे भी सभी की निगाहें हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तहीं आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।